भाई टेसिलेशन का मतलब है टाइल्स बिछाना, एक ही तरह के नमूनों को बार बार रख करके एक समतल क्षेत्र को बिछाना। अब आप एक 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर लें, उसमें दो मध्य रेखाएं बनाएं और उनको काटें। काटने के बाद में ये घर जैसा बन जाएगा। उसके बाद में दोनों त्रिकोण लें और उनको ऊपर की ओर रख करके एक बिल्ली का मुंह जैसा बनाएं। दोनों त्रिकोण बिल्ली के कान बन जाएंगे और उनको आप टेप से चिपका दीजिए। उसके बाद में एक और त्रिकोण काटिए और इस त्रिकोण को निकाल करके आप पक्षी की चोंच की जगह बिठा दीजिए और उसको भी टेप से चिपका दीजिए। अब ये बन गया आपका एक पक्षी का स्टेंसिल। उसके बाद में आप नीला मोटा कागज लें, कार्डशीट लें, उस पे स्टेंसिल को रखें और खूब सारे पक्षी ड्रॉ करें, बनाएं। टेसिलेशन का मतलब ही यह है कि एक ही तरह का टाइल लें या नमूना लें और उससे एक समतल क्षेत्र को पूरी तरह कवर करें। अब यह बन गया आपका दूसरा पक्षी। और यह रहा तीसरा। अब पक्षियों की आउटलाइन बनाने के बाद में आप इस मोटी कार्ड शीट को काट करके पक्षियों को अलग अलग कर लें। अलग अलग रंग के कागज इस्तेमाल करें और खूब सारे ढेरों रंग बिरंगे पक्षी बना लें। उनके बाद में उनकी आंख बनाएं जिससे उनमें जान आ जाए। अब आपके पास पूरी लाइब्रेरी हो गई, एक काफिला हो गया पक्षियों का। अब इन पक्षियों को आप पास पास रख करके सजा सकते हैं, बिल्कुल टाइल्स जैसे। ये एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। कितना सुंदर नमूना है, कितना बेहतरीन डिज़ाइन है ये बहुत ही सृजनात्मक कला है।